हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तो फाइनली गाइस 24 कैंडिडेट एसएससी एमटीएस 2022 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो आपका जो रिजल्ट है वो उसका लंबा इंतजार जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज एसएससी एमटीएस 2022 का जो रिजल्ट है वो शाम 5 PM तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्या हमारे पास अपडेट है, कौन कौन से ऑफिशियल नोटिस है, क्या क्या चीजें, किन बातों का एनालिसिस किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को दिखाकर मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको एसएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में गाइस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा 2022 की जो आपकी आंसर की आई है उसमें टोटल आपके कितने नंबर आए हुए हैं, आंसर की आने के बाद टोटल कितने मार्क्स थे। तो गाइस, यदि हम आगे देखें, अभी तक एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए उनका उन्होंने कितने दिनों बाद एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, उसके आधार पर मैं आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, एसएससी में यदि हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं दिल्ली पुलिस में, तो इसका जो आपके एग्जाम हुआ था, आप देख पाओ कि एग्जाम इसका हुआ था 9 नवंबर को, 9 से 9, 12 नवंबर, और रिजल्ट जो है इसका डिक्लेयर किया गया था 27 दिसंबर को। अब यहाँ से 9 से 12 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हुआ और 27, तो मतलब यहाँ पर देखोगे ना, लगभग लगभग यहाँ पे 45 डे में जो है 40 से 45 दिनों में एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो रिजल्ट था इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। और ये बात आप देख पाओगे बहुत पुरानी नहीं है, 2022 की बात है, और इसका जो रिजल्ट भी आप देख पाओगे 2022 के लास्ट में डिक्लेयर किया गया था। वहीं पर यदि हम बात करें कि सीएचएसएल 2022 की यदि आप पे बात करोगे, जो टायर वन के एग्जाम्स की बात करोगे, टायर टू का तो रिजल्ट हालांकि कल आया, तो टायर वन के एग्जाम की बात करें, यहाँ पर देखें जो एग्जाम इनका पेपर वन हुआ वो 9th से 21 मार्च 2021 तक हुआ था, और इनका रिजल्ट देखोगे यहाँ पर 19 मई 2023 को हुआ था आया था। मतलब आप देखो यहाँ पर 21 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ, 21 अप्रैल और 21 मई, टोटल आप देखोगे यहाँ पर 58 डे लगे आपको एग्जाम का रिजल्ट जारी करने में। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है ये देख पाओगे आपके सीएचएसएल के, जहाँ पर काफी नंबर आप स्टूडेंट होते हैं जो कि हमेशा अप्लाई करते हैं। वहीं पर यदि हम सीजल 2022 की बात करते हैं जो कि आपका एग्जाम जिसका हुआ था, तो यहाँ पे देख पाओगे इसका जो एग्जाम हुआ था यहाँ पर 1 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ था, और 9 फरवरी को इसका जो है तो पूरी तरीके से रिजल्ट जारी किया गया। आप देख पाओगे 13 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ और 9 फरवरी का रिजल्ट आया, मतलब यहाँ पर भी देखेंगे यदि ओवरऑल तो 50 से 55 दिन का समय लिया जा रहा है किसमें में आपकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। वहीं पर यदि हम लास्ट में देखें, ये आपका एसएससी सीएचएसएल वाला है जिसका कभी रिजल्ट कल आया, तो इसका देख पाओगे 26 जून को जो है तो पेपर टू हुआ था, और इसका जो रिजल्ट है आप यहाँ पर देख पाओगे 7 अगस्त को जारी किया गया। मतलब 26 जून से आप यदि यहाँ पर 7 अगस्त की बात करोगे, आप देख पाओगे इनके बीच में डिफरेंस 4 दिन का, यहाँ पर 30 का यहाँ और 7, यहाँ पर देख पाओगे 41 दिन का इन्होंने टाइम लिया और आपका रिजल्ट पूरी तरीके से ऑफिशियली पब्लिश कर दिया। अब बात आती है कि इतने डाटाओं के एनालिसिस के बाद एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट कब आएगा, तो एमटीएस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था 20 जून को भाई, है ना। जब 20 जून को आपका एग्जाम हुआ तब आप देख पाओगे 26 जून का जो रिजल्ट था वो पूरी तरीके से ऑफिशियली आज पब्लिश कर दिया, कल पब्लिश कर दिया गया है। तब यहाँ पर तो कम स्टूडेंट होते थे सीएचएसएल में, इसलिए दे दिया गया। तो अब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि एसएससी पूरी तरीके से आपके जो है अपने प्रोसेस पर पूरी तरीके से कंप्लीटली वर्क कर रहा है, क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम भी हो रहा है, इधर रिजल्ट भी आ रहा है, इधर एमपीएस का भी रिजल्ट आज आने वाला है। तो आप मान के चलो आपकी जो संभावना है वो 80% ये संभावना है कि एमटीएस का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से आज जो है 5 PM तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और यहाँ पे 20% ये संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन लगा देगा। तब देखो ये अनुमान ही है कि आ जा सकता है, क्योंकि इतने डाटाओं को एनालिसिस करने के बाद इन चीजों को पता चला एसएससी जो है तो वो 37 दिन में सबसे पहले आपके दिल्ली पुलिस एसआई का दिया था। अब यहाँ पर ओवरऑल आप देखो 20 जून से हम बात करेंगे, 10 दिन जून का ले लोगे 30, और ये तो आपके लिए लगभग देखोगे यहाँ पर जो है ना आपके लिए लगभग लगभग आपके लिए जो है 47 डे हो चुके हैं, तो 50 डे अधिकतम टाइम लेकर जाएगा, क्योंकि एसएससी को आगे भी लगातार एग्जाम है,
तो अनुमान लगाओ कि आज शाम 5 बजे तक आ ही जाएगा, यदि नहीं आता है तो कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फैली का सबके लिए जो अपडेट थी मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ, यदि मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ आयन अकेडमी इंद्र धनुष पे, तब तक के लिए लेट्स क्रैक।